हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का क्या नेचर है और क्या सिग्निफिकेंस है, या बोल लो इम्पोर्टेंस, इसे जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या है। अब मैनेजमेंट क्या है, पहले के समय में ये कहा जाता था कि मैनेजमेंट का मतलब है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चीजें करवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं लोगों से। ठीक है, पहले ये कहा जाता था, पहले के जमाने में मैनेजमेंट बस इतना कहा जाता था कि दूसरों से काम कराने की कला को मैनेजमेंट कहा गया। ठीक है, अब हुआ क्या, ये डेफिनेशन पहले चल गई पर अब ये हमारे लिए बेनिफिशियल या फिर अप्रोप्रिएट नहीं थी। तो अब क्या हुआ, अब मैनेजमेंट की एक न्यू डेफिनेशन आई है। पर उस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आपको दो टर्म क्लियर होने चाहिए, दैट इज इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अब व्हाट इज इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस मतलब कि मैंने आपको जो काम दिया आपने वो काम कर लिया, और एफिशिएंसी मतलब कि आपने, मैंने आपको जो काम दिया था आपने वो कर भी लिया और कम से कम कॉस्ट पर। ठीक है, एक छोटा सा बिल्कुल फैमिलियर कैजुअल सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको समोसे लाने को भेजा, मुझे 5 समोसे चाहिए थे, मैंने आपको 50 रुपए दिए। आप 50, आपने क्या करा, आप गए शॉप पर, आपने मुझे 50 रुपए के 5 समोसे लाकर दे दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो हो गई इफेक्टिवनेस कि मैंने आपको 50 रुपए दिए थे, बोला था समोसे ले आओ 5, आप ले आए। अब एफिशिएंसी क्या होगी, मैंने आपको 50 रुपए दिए, बोला मुझे 5 समोसे चाहिए, पर आप समोसे कितने के ले आए, 40 के लेके आए पूरे 5 जो मैंने मंगाए थे, पर आपने ये काम कम कॉस्ट में कर दिया, मिनिमम कॉस्ट में कर दिया, काम भी पूरा करा और मिनिमम कॉस्ट में भी करा, तो वो क्या हो गई, आपकी एफिशिएंसी हो गई। इफेक्टिवनेस मतलब जैसे मैंने आपको 5 समोसे मंगाए थे, आपने मुझे 50 रुपए के 5 समोसे लाके दे दिए, पर एफिशिएंसी क्या होगी कि समोसे भी 5 लाके दिए और वो भी कम कॉस्ट में लाके दिए, तो वो क्या होगी, हमारी एफिशिएंसी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट की न्यू डेफिनेशन। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम यूटिलाइज करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज को। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जैसे आप, हम आप लोग वर्कर्स, ठीक है, एम्प्लॉयज। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब मशीन, फर्नीचर, जो भी मतलब ऑफिस वगैरह में यूज होता है। तो हम इन दोनों को यूटिलाइज करते हैं कि नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज को, फिजिकल रिसोर्सेज को, इस तरीके से कि हम अपने गोल को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर लें, ना केवल अचीव कर लें पर कैसे अचीव करें, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब आपको न्यू डेफिनेशन में 3 बातें याद करनी है कि क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज का इस तरीके से कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर ले इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। आई होप आपको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्ड एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैनेजमेंट में आपको 3 बात याद रखनी है, क्या ये एक प्रोसेस है जिसमें हम ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, किस लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, वो भी कैसे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ठीक है, आपको इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से एकदम। अब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंटली जो भी ये वर्ड है दोनों, इन दोनों को और अच्छे से, मतलब आप डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना, बट आपको इतना मीनिंग क्लियर होना चाहिए बस इतना कि अगर आपने वही काम कर दिया जो मैंने आपको कहा तो वो हो गया आपका इफेक्टिवनेस, पर अगर आपने वही काम कम कॉस्ट में कर दिया तो वो क्या होगी, आपकी एफिशिएंसी। ठीक है, इस टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मीनिंग क्लियर हो गया है तो इट्स इनफ। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, पहला फीचर इसका ये है कि मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है। गोल ओरिएंटेड मतलब मैनेजमेंट का हमेशा गोल होता है, ये गोल जो उसका गोल होता है उसी के लिए मैनेजमेंट काम करता है, तो ये गोल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट परवेसिव और यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इन्होंने अब बताने के लिए बोला है, पर पूरे बिजनेस में आगे के जितने भी चैप्टर होंगे परवेसिव का मतलब आप समझ जाना, यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह अप्लाई हो, मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे मैनेजमेंट ना हो,
हर जगह पे, इवन हमारे घर में भी, स्कूल में भी, हर जगह, ऑफिस में, सब जगह मैनेजमेंट होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट क्या है, हमेशा परवेसिव और यूनिवर्सल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मैनेजमेंट में कभी भी एक चीज नहीं आती, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट जिसके अंदर क्या क्या आता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, हमें वर्क को मैनेज करना पड़ता है, पीपल को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हमें सही से मैनेज करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, एक ही चीज से मैनेजमेंट नहीं बनती है, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, समझ आ गया अब आपको। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये हमेशा चलता ही रहता है, कभी मैनेजमेंट रुकेगा नहीं। अगर आपका गोल अचीव हो गया तो वो नेक्स्ट गोल पूरा करने में लग जाएगा। तो मैनेजमेंट कभी भी बंद नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता ही रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी कैसे है, मैनेजमेंट कभी भी एक बंदा नहीं कर सकता। अगर मान लो मैं आपकी कंपनी की मैनेजर हूं, तो बिना आप लोगों की कोऑपरेशन के, बिना आप लोगों के एफर्ट्स के, मैं कुछ अचीव नहीं कर सकती, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो ही नहीं सकता। तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, जहां पे सब लोग मिलकर काम करते हैं, इंटीग्रेट होकर काम करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करा जा सके। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक मतलब आप सुन लेना, ये बार बार वर्ड यूज होगा, डायनामिक मतलब होता है चेंजेबल, मतलब चेंज होने वाला, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक डायनामिक फंक्शन है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम अपनी आसपास की सराउंडिंग्स को देखकर अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे ही मैनेजमेंट है, जैसे ही वो देखता है कि भैया मार्केट में ये चेंज आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आजकल कोविड चल रहा है, अब कोविड में क्या है, अगर मान लो मेरी कंपनी हेलमेट वगैरह की है, तो मैंने देखा कि कोविड में अब हेलमेट वगैरह बहुत ज्यादा कंपल्सरी कर दिया है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सोशल इन्वायरमेंट को देखते हुए, अपनी सोसाइटी को देखते हुए, मैं हेलमेट की प्रोडक्शन बढ़ा दूंगी। तो मैंने क्या करा, हेलमेट की डिमांड बढ़ती हुई देख के मैंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी। तो मैंने क्या करा, अपने मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है, समझ आई बात। कि इन्वायरमेंट में हमें ज्यादा पता चला, ज्यादा डिमांड होगी उसकी हेलमेट की, तो हमने भी अपने काम में चेंजेस लाए और हमने क्या करा, ज्यादा प्रोडक्शन शुरू कर दी हेलमेट की। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इनटेंजिबल फोर्स है। ये बिल्कुल सही बात है, इनटेंजिबल वो चीज होती है जिसे हम देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते, पर महसूस कर सकते हैं। ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, गुडविल क्या है, इनटेंजिबल है। अब मैनेजमेंट इनटेंजिबल फोर्स कैसे है, मैनेजमेंट इनटेंजिबल फोर्स ऐसे है कि हम इसे देख तो नहीं सकते, पर अगर सब लोग मिलकर काम करें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। तो अगर कोई सामने वाली कंपनी हमारी कंपनी को देख रही है, तो वो ये कह सकती है कि इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। मैनेजमेंट दिखती तो है नहीं भाई, पतली है, मोटी है, कैसी है, कुछ नहीं पता चलता, वो कैसी है, इनटेंजिबल है, पर वो दिख सकती है। कैसे दिख सकती है, महसूस करी जा सकती है। जब कोई कंपनी अपने गोल अचीव कर रही है, प्रॉफिट हो रहा है उसे, तो मैनेजमेंट को हम महसूस कर सकते हैं कि इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, या आपस में बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं। तो यही एक ऐसा इंटेंजिबल फोर्स है जिसके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। आज हम आज इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू।